भगवान, मुझे कोई घर मिल जाए, बस रहने की व्यवस्था हो जाए। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता है। कौवा घोंसले के अंदर देखता है, अरे इसमें तो एक चिड़िया अपने एक अंडे के साथ रहती है, ये क्या ही कर लेगी। ओ चिड़िया, तुम इस घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस अंडे को फोड़ दूंगा। नहीं नहीं कौवे, मैं कहाँ जाऊंगी, ये घर मेरा है। अब से ये घर तुम्हारा नहीं है, अब से मैं इस घर में रहूंगा। तुम जाती हो या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा अंडा फोड़ दूंगा। नहीं नहीं कौवे, मैं जाती हूँ, चिड़िया इतना कहकर अपने एक अंडे को लेकर उड़ जाती है। एक नदी किनारे चिड़िया बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, चिड़िया ऐसी सोचते सोचते दूसरे जंगल पहुँच जाती है। मौसी, क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ? ठीक है ठीक है, तुम्हारे इस अंडे की वजह से मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, बस तुम यहाँ 5 दिन ही रह सकती हो। ठीक है मौसी, 5 दिन में मैं अपना घोंसला बना लूँगी, इस रूम में तुम रह सकती हो। धन्यवाद मौसी, मैंने इस चिड़िया को जगह देकर ठीक तो किया ना, कहीं ये मेरे घर पर कब्जा तो नहीं कर लेगी, मैं तो बुढ़ी हूँ। तुम निकलो यहाँ से ये चिड़िया। मौसी, मैं कहाँ जाऊँगी, नहीं नहीं मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती, क्या पता तुम मुझे इस घर से निकाल दो, मैं बुढ़ी कहाँ जाऊँगी। नीलू मौसी उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है, एक पेड़ पर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र एक टूटे घोंसले पर जाती है। अरे लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता है। चिड़िया उस घोंसले में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बाहर निकल आता है, चिड़िया खुश हो जाती है। चिड़िया मन ही मन सोचती है, मैं इस घोंसले में ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, ये घोंसला मेरा नहीं है, मुझे अपना घोंसला जल्द तैयार करना होगा। चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है और उस घोंसले से निकलकर वो अपने घोंसले में रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हिम्मत कभी ना हारो और किसी की चीज़ पर अधिकार मत जमाओ। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें मिशू टोनी टीवी।